ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट से। सबसे पहले कहा गया है आइडेंटिफिकेशन सोर्स ऑफ हैज़ार्ड टू विच द फर्म इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू। हमें वो हैज़ार्ड के सोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं जिससे कोई फर्म या कोई इंडिविजुअल एक्सपोज है। दूसरा, एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पोटेंशियल लॉस। हमें उस हैज़ार्ड से कितना लॉस होगा इसे हमको एस्टिमेट करना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ ऑकरेंस, हमें चांसेस बताने हैं कि ये लॉस कितना होगा, कितने बार हो सकता है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जापान की बात करें तो वहाँ पे एक हैज़ार्ड है सुनामी। रोज वहाँ पे सुनामी आती है, कई बार दिन में दो दो तीन तीन चार चार बार सुनामीज आ जाती हैं। तो जापान जैसे देश के लिए जो हैज़ार्ड है, सोर्स ऑफ लॉस है, वो है सुनामी। और हमें ये प्रोबेबिलिटी देखनी है, मतलब हम ये बता रहे हैं वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई करके रखा है कि ऑन एन एवरेज हर रोज वहाँ पे दो बार सुनामी आती है। तो एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर दो बार सुनामी पर डे एंड साइज ऑफ पोटेंशियल लॉस, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि अगर सुनामी आती है तो उससे लॉस होता है नहीं होता है, कितना लॉस होता है। तो ये हो गया दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कंसिडरेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स टू कोप अप विद दीज रिस्क। अब जापान की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये जो रिस्क है इसे कोप अप करने के लिए जो बीचेस हैं वहां पे बड़ी बड़े वॉल्स बना रखे हैं, 10-10 मीटर, 15-15 मीटर, 20-20 मीटर हाइट के वॉल्स हैं, जिससे कि जो समुद्र का पानी है वो शहर में ना एंटर करे। कंसिडरेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स, तो उन्होंने एक टेक्निक पता लगा लिया अपने हैज़ार्ड को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि इंडिविजुअल या फर्म को टेक्निक्स मेथड्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि वो इन रिस्क को कोप अप कर सके। पॉइंट नंबर फोर में कहा जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड टेक्निक्स एंड मेथड्स। जो टेक्निक्स को सेलेक्ट किया गया या मेथड्स को सेलेक्ट किया गया उसे इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट में कह रहे हैं पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिजल्ट्स अचीव्ड थ्रू दीज टेक्निक्स एंड मेथड्स। ये जो टेक्निक्स या मेथड्स आपने यूज किए हैं इसका पीरियोडिकल एग्जामिनेशन करना और चेक करना कि ये कितने एफिशिएंट हैं।